बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं हर साल की तरह इस साल भी शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर भारी संख्या में उनके फैंस नजर आए। सभी फैंस अपने फेवरेट एक्टर की एक झलक पाने को बेकरार दिखे। वहीं किंग खान ने भी उन्हें निराश नहीं किया और हर बार की तरह उन्होंने अपने फैंस को आधी रात को सरप्राइज कर दिया। जब शाहरुख फैंस को सरप्राइज करने के लिए अपने बालकनी में आए, तब शाहरुख ने अपने छोटे बेटे अब्राम के साथ मन्नत के टेरिस पर पहुंचकर हाथ हिलाया और अपने फैंस को थैंक यू कहा। इसके बाद उन्होंने अपने सिग्नेचर मूव भी दिखाए। वहीं फैंस शाहरुख को देखकर खुशी से उछल पड़े। सभी ने शाहरुख को जन्मदिन की बधाई दी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज 57 साल के हो गए हैं। उनका जन्मदिन उनके फैंस के लिए किसी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं होता। वहीं किंग खान ने अपने बर्थडे पर अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। दरअसल शाहरुख खान की मच अवेटेड पठान फिल्म का टीजर आज रिलीज हो गया है। SRK ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर फैंस को ये जानकारी दी। साथ ही SRK ने ट्वीट कर टीजर आउट होने की जानकारी दी और ट्वीट कर लिखा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पठान टीजर अब आउट हो गया है। 25 जनवरी 2023 को अपने नज़दीकी बड़े पर्दे पर पठान देखने के लिए ज़रूर जाएं। आपको बता दें कि यह फिल्म हिंदी, तेलुगू, तमिल में रिलीज़ हो रही है। आपको ये भी बताएं कि शाहरुख खान पिछले 4 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग और शानदार फिल्मों की बदौलत लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में जगह बनाई है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद के निर्देश में बनी फिल्म पठान भी शामिल है। फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं किंग खान की अपकमिंग कई अन्य फिल्मों में जवान और डंकी शामिल हैं।